नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी.com। सत्य हिंदी की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है, जिसमें हम सीधे आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं और आपके सवाल लेते हैं, जवाब दिलवाते हैं विशेषज्ञों से और ऐसे मुद्दे पर चर्चा करते हैं जिससे आपका सरोकार है और चर्चाएं उस मुद्दे पर कम हो रही हैं। और आज भी हमने एक ऐसा ही मुद्दा चर्चा के लिए चुना है और विशेषज्ञ भी कुछ ऐसे ही चुने हैं। मुद्दा ऐसा है जिस पर चर्चा जितनी हो पाए उतनी कम है, लेकिन और विशेषज्ञ ऐसे हैं जो आपको हर टीवी चैनल पे दिखने चाहिए, दिखते नहीं होंगे क्योंकि मुद्दे पर चर्चा ही नहीं होती। अब मुद्दे की बात बताने से पहले एक दूसरे मुद्दे की बात बता देते हैं, वो ये है कि अगर आप हमसे सवाल पूछें, सर्वेट अगर आप हमसे सवाल पूछें तो फिर आपकी स्क्रीन के नीचे एक ऑप्शन आ रहा होगा Q&A का, वहां पर आप जाके हमसे सवाल पूछ सकते हैं और आप ये जरूर बताएं कि आप किससे सवाल पूछना चाहते हैं जिससे आपका सवाल सीधे उसी विशेषज्ञ के पास पहुंचा दिया जाए। अब आगे बढ़ते हैं, एक समय के बाद आप डायरेक्ट अपने विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं, यानी सवाल पूछ सकते हैं और आपकी ऑडियो में यहाँ से अलाउ टू टॉक कर दूंगा, खोल दूंगा, फिर उसके बाद आप बात कर पाएंगे। अब यहाँ से जो चर्चा है, मुद्दे पर चर्चा है, वो बढ़ाएंगे मुकेश सर, जो आज के होस्ट हैं और सत्य हिंदी के सलाहकार संपादक हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मुकेश सर नमस्कार दोस्तों, सत्यहिंदी.com में एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि अंकुर ने बताया, मैं मुकेश कुमार हूँ और मेरे साथ दो बहुत ही जाने माने विशेषज्ञ मौजूद हैं आज किसानों की समस्याओं पर बात करने के लिए, जो कि हमारा विषय है कितने जायज हैं किसानों के डर। हम सब जानते हैं कि किसान इस समय डरे हुए हैं, इसीलिए वो उग्र हैं, आंदोलित हैं, जगह जगह वो आंदोलन कर रहे हैं। तो हमारे दो विशेषज्ञ हैं, पहले मैं उनका परिचय करा दूं। हमारे साथ सोमपाल शास्त्री जी हैं जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और तमाम सरकारों को कृषि के संबंध में सलाह मशवरा देते रहते हैं, कृषि के मामलों में उनकी गहरी पकड़ है। हमारे साथ जो दूसरे विशेषज्ञ हैं वो देवेंद्र शर्मा जी हैं जो चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं। और देवेंद्र शर्मा जी को आपने विभिन्न चैनलों में, वेबसाइट में लगातार देखा होगा, जो कि कृषि के मामलों में एक विशेषज्ञ के तौर पर आते हैं और अपनी बहुत ही सटीक राय सामने रखते हैं, इंफॉर्मेशन से बिल्कुल लैस रहते हैं। और जाहिर है कि इस दौर में भी उनका उनकी राय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक बार फिर से कृषि चर्चा में है किसानों के आंदोलन की वजह से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। दर्शकों, किसान डरे हुए हैं जैसा कि हम सब देख रहे हैं, उनके कई डर हैं। उनका डर पहला तो यही है कि उन्हें फसलों की अपनी कीमत मिलेगी कि नहीं, सही कीमत अभी भी नहीं मिल रही है। कल को जब ये तीन विधेयक पारित होने के बाद जो नई व्यवस्था लागू होगी तो जाहिर है कि उसमें वो और भी शंकाएं देख रहे हैं। उनको ये भी डर है कि धीरे धीरे वो व्यापारियों के गुलाम हो जाएंगे, व्यापारी उन पर हावी हो जाएंगे और उस स्थिति में उनकी जो स्वतंत्रता थोड़ी बहुत है वो भी चली जाएगी। उनका तीसरा डर ये है, बहुत बड़ा डर है, कि धीरे धीरे बड़े कारपोरेट आएंगे, उनको खेती से बेदखल कर देंगे, उनका पेशा खेती करने के बजाय उनकी गुलामी हो जाएगा, वो मजदूर के रूप में तब्दील कर दिए जाएंगे। तो ये डर है बड़े, जिनके बारे में केंद्र सरकार लगातार सफाइयां दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, विपक्षी दल गुमराह कर रहे हैं और आने वाला भविष्य किसानों का बड़ा सुनहरा होगा, उनकी तमाम बेड़ियां टूट जाएंगी, वो आजाद हो जाएंगे अपनी फसलों को कहीं भी किसी भी बेचने में और अपने कीमतें उसकी उन्हें बेहतर मिलेंगी। तो क्या सच है, क्या किसानों के ये जो डर है जायज है, यही है हमारा आज का विषय। हमारे साथ जो दूसरे मेहमान है उनके पास ज्ञान का अटूट भंडार है, अटूट भंडार है और बहुत सारी जानकारियां हैं, लेकिन चूंकि हमें आधा पौन घंटे में इन डरों से जूझना है, उनके बारे में एक स्पष्ट राय अपने दर्शकों तक पहुंचानी है, तो मैं चाहूंगा कि बहुत ही संक्षेप में हमारे विशेषज्ञ बिल्कुल सटीक ढंग से अपनी बात रखेंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इसमें इस विषय से जुड़े मुद्दों को ले सकें। तो सबसे पहले सोमपाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये जो डर है किसानों के, ये क्या
वास्तविक डर नहीं है, क्या किसानों को गुमराह किया जा रहा है, क्या किसानों में इतनी नासमझी है कि वो अपना हित नहीं सोच सकते हैं, विपक्षी दलों ने उन्हें भड़का दिया और वो आंदोलन पर उतारू हो गए, उनके अंदर डर है, ये वास्तविक है या बनाए हुए हैं, बनावटी है, भड़काए हुए? मुकेश जी, उनकी जो आशंका और भय है जो आपने कहा वो बहुत वाजिब है, बहुत उचित है, और उसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। और जो वर्तमान सरकार का, और बल्कि मैं कहूँ कि पिछले कई दशकों से रह रही सभी सरकारों का जिस प्रकार का व्यवहार रहा है, जिसको अंग्रेजी में कैजुअल कहते हैं खेती के प्रति, कि उसकी कोई समग्र समेकित नीति नहीं बनाकर जब कोई समस्या खड़ी होती है तो उसको पैच वर्क में, टुकड़ों टुकड़ों में कुछ उसका फौरी इलाज कर दिया जाता है, और जो मुख्य समस्या है वो कुछ समय के लिए, वो जो उस समय उग्र उसका पक्ष होता है वो दब जाता है, और मुख्य समस्या फिर उसी तरह से लंबित पड़ी रहती है, और फिर वो कभी दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल मुंह उठाती रहती है। भय का जो मुख्य कारण है वर्तमान वातावरण में, राजनैतिक वातावरण में, उसके मैं आपको दो बहुत ठोस कारण ऐतिहासिक बताना चाहता हूं। वर्तमान मोदी प्रणीत भाजपा सरकार, इन्होंने 2014 में सत्ता में आने से पूर्व बहुत बड़े वायदे खेती के संबंध में किए थे। कई वायदे हैं, परंतु उसमें से एक जो मुख्य है, जिसने किसान को बहुत ही उत्साहित और प्रेरित किया था और अपनी ओर आकर्षित करने का काम किया था, वह था डॉक्टर स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले आयोग की यह सिफारिश कि C2 स्तर की लागत के ऊपर 50% मूल्य जोड़कर किसानों को एक सुनिश्चित मूल्य दिया जाएगा, जिसको न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, और उसको बहुत जोर शोर से प्रचारित किया गया था अपने चुनाव के दौरान। परंतु आश्चर्य की बात है कि 14 में सत्ता में आ गए मोदी जी और 18 के अंत में तक जाकर उसको हाथ नहीं लगाया। विभिन्न मंचों के ऊपर, संसद में भी, विधायिकाओं में भी, किसानों के संगठनों ने भी, हम जैसे जो छोटी मोटी आवाज वाले हैं, हमें, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी, हमारी श्रेणी के कुछ लोगों ने जो सीधे अब सत्ता से नहीं जुड़े हैं परंतु इस बारे में चिंतित रहते हैं, हम सब ने भी अपने अपने जितना हमारी क्षमता थी, जितनी हमारी हैसियत थी, उस हिसाब से उनको याद कराने की कोशिश की, रिमाइंड कराने की कोशिश की, परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई। और फिर 2019 का चुनाव जब आसन्न हुआ, निकट हुआ, तो उस समय उसको निकाल कर इन्होंने कहा कि हमने 50% जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है। परंतु आप देखेंगे कि बहुत चालाकी से, हालांकि ये शब्द अच्छा नहीं लगता इतने बड़े नेताओं के लिए, पर मैं बहुत विश्वास के साथ और बहुत कन्विक्शन के साथ ये बात कह रहा हूँ दर्द के, कि उसको चालाकी से C2 के बजाय उसके एक निचले स्तर A2+FL, उसकी परिभाषा में जाएंगे तो आपका समय बहुत बर्बाद हो जाएगा, और सौभाग्य से आज किसान भी इस तकनीकी भाषा को, इसको समझता है कि C2 क्या है, A2FL क्या है। उस पर लाकर और उस पर 50% जोड़कर ये दावा ठोक दिया कि हमने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को क्रियान्वित कर दिया, लागू कर दिया। अगर मैं ठोस रूप में कहूं तो अगर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश होती तो जो आज 1925 रुपया गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य है और चावल का जैसे शायद 1840 था पिछले वर्ष, अभी है जो वर्तमान में, जो अभी खरीद जिस पे शुरू होगी एक आध दिन में, वो दोनों करीब 3000 के आसपास उनका मूल्य होना चाहिए था, कम से कम 2500-2600 तो निश्चित रूप से होना चाहिए था। और अगर पुरानी टर्म्स ऑफ ट्रेड, सापेक्ष मूल्यों को देखा जाए, जितने पिछड़े रहे हैं किसान के मूल्य दूसरे मूल्यों के मुकाबले में, क्योंकि दो ही सूचक होते हैं, एक तो लागत कितनी आती है और दूसरे मूल्यों की जो वृद्धि दर है वो किस गति से हुई है और किसान को मिलने वाले मूल्यों की वृद्धि किस दर से, तो अगर उसको भी करेक्ट करें तो 3000 दाम होना चाहिए, 2900 और 3000। तो किसान का विश्वास हिला। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इस सिफारिश को लागू करने से पहले एक और ढोल पीटना शुरू कर दिया मोदी जी ने कि किसानों की आय 2022 तक हम
दोगुनी करेंगे। अगर आप 2013 की मूल्य स्थिति देखें, तो मैं किसान होने के नाते, क्योंकि प्रत्येक फसल पे मैं भी अपनी फसल बेचता हूं, और पिछले 3 वर्ष से मैं 38 मंडियों में विभिन्न जिन्सों के भावों को मॉनिटर करता रहा हूं, तो किसान की आय 25-30% रियल टर्म्स में कम हुई है 2013 के मुकाबले में। तो इन सब तीनों चीजों ने मिलाकर किसान का विश्वास हिला दिया, और जब ये सुधार अब लाए हैं तो उनको ये आशंका है कि इन सुधारों के बहाने कहीं ये जो सुनिश्चित मूल्य देने की व्यवस्था थी और एक व्यवस्थित कानून से गवर्न होने वाली मंडी व्यवस्था थी, इसको कहीं समाप्त तो नहीं कर दिया जाएगा आजादी का ढोल पीट कर। क्योंकि एक और छोटी सी बात कह दूं, छोटी सी, जो किसान नेताओं को भी अपनी मांग करने का जो है वो सलीका कम रहता है, मैं माफी के साथ कहता हूँ। सब कह रहे थे कि किसान को अपनी चीज का भाव तय करने का अधिकार नहीं है, सबको अधिकार है, सवाल ये नहीं है, अधिकार तो है, परंतु उसकी विवशता है, क्योंकि उस पेशे का स्वभाव ऐसा है, उसमें सतत प्रवाह आय का नहीं रहता। खेत तैयार करने से और काटने तक खर्चे तो खेती के भी सब चलते हैं, परिवार के भी, तो उसकी प्रतीक्षा इतनी लंबी हो जाती है, उसके ऊपर वित्तीय दबाव इतना पड़ जाता है, कर्ज देने का भी वापस, और घर के खर्चों को निपटाने का भी, नए कुछ काम करने का भी, शादी विवाह, दूसरे बीमारी हारी, कि उसकी व्यवस्था में उसे बेचना पड़ता है, इसलिए उसको ये सहायता दिए बगैर काम नहीं चलता। तो इन सभी कारणों से किसान की चिंता स्वाभाविक है, और जो वो उग्र रूप धारण कर रही है वो बड़ा स्वाभाविक बात है, मैं उनकी चिंता से जी देवेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा कि फसलों का सही मूल्य मिले और उसके बारे में जो दावे वादे किए गए थे सरकार के द्वारा वो पूरे नहीं हुए, बल्कि उससे उनकी आय और कम हो गई, ये एक गुस्सा तो वाजिब है। लेकिन अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया सोमपाल जी ने, सुधार, ये आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, श्रम सुधार, ये सुधार शब्द बड़ा विवादास्पद है। इसको बदलाव कहते तो ठीक है, क्योंकि कब ये सुधार बिगाड़ में बदल जाता है हमें पता नहीं है। तो मैं ये आपके पास आ रहा हूँ कि ये सुधार वाकई में सुधार है या कृषि को और बिगाड़ने की तरफ ले जाने वाले हैं, और इसीलिए किसानों में डर बढ़ गया है। ये जो न्यूनतम मूल्य का सवाल है वो तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन और भी बड़े डर हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। जब सरकार ने ये 3 बिल जब पार्लियामेंट में पास हुए या उससे पहले जब ऑर्डिनेंस भी आए थे, तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये था कि ये आफ्टर ऑल ये बिल सब किसानों के लिए थे, और अगर हमारी 50% देश की पॉपुलेशन जो है वो खेती से जुड़ी हुई है, यानी तकरीबन 60 करोड़ लोग जो है वो खेती से जुड़े हुए हैं, तो फिर उनसे तो चर्चा होनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं हमारा डेमोक्रेसी में ये एक रोल होता है कि हम हर एक से अगर नहीं किसान से आप बात कर सकते हैं, या हर एक संगठन से भी आप बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक संगठन को बुला के आप बात करते, कुछ एक्सपर्ट्स से बात करते, कुछ एकेडेमिया से बात करते, और भी जो अलग अलग स्टेक होल्डर हैं उनसे चर्चा करते, या फिर अपना जो ड्राफ्ट बिल है उसको आप इंटरनेट पे वेब पे डालते, उसके जैसे कि आप सुझाव मांगते हैं, और नहीं तो जब पार्लियामेंट में जब ये पास हो रहा था, जिस हड़बड़ी में पास हुआ है, अगर उस टाइम भी आप कहते कि हम एक सिलेक्ट कमेटी को इसको देंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत सा जो विश्वास है किसानों का कि सरकार हमारा एक जो पक्ष है वो इसमें शायद इनकॉर्पोरेट करेगी या लेगी, तो शायद वो एक मैसेज उनको जाता, लेकिन वो तो ऐसा हुआ नहीं। और ये जो मार्केट इकोनॉमी का जो ये फंडा है, मैं फंडा ही कहूंगा, क्योंकि ये बहुत दशकों से एक बहुत लॉबी जो है इसको मैं वो हर एक स्तर पे है जो इसको पुश करने में लगी हुई है। ये जो रिफॉर्म्स अभी आप बात कर रहे हैं, ये 2003 से हमारे देश में कई स्तर पर कुछ कमेटीज कह लीजिए, कुछ सरकार के अपने एफर्ट्स थे, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ इंटरेक्शन, कुछ अमेंडमेंट्स हुए पीएमसी के, ये सब बातें होती रही हैं। एक माहौल बनता गया है कि MSP जो है वो एक्चुअली बॉटलनेक है प्राइस डिस्कवरी में, और ये भी कहा गया कि APMC मंडियां जो है ये उसके में रोड़ा आती हैं, तो इनको भी डिसमेंटल किया जाए। और ये पंजाब और हरियाणा पे मैं जानता हूँ पिछले जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, कई बार मेरे से भी उनका संपर्क जब होता था तो वो भी यही कहते थे कि हमारे यहाँ पर हमारे ऊपर बहुत दबाव है कि आप APMC को डिसमेंटल करना शुरू करिए। तो ये माहौल जो था, ये किसान उससे ये नहीं कि उससे कुछ अछूते थे, वो सब समझ रहे थे कि इतने दिनों का ये प्रयास चल रहा है। दूसरा है कि WTO का भी एक प्रेशर था, जो
जो मैंने देखा है कि पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान समझते हैं, क्योंकि कई मीटिंग्स में मुझे भी बुलाया जाता है कि मैं WTO में जो ये एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट जिसको कहते हैं कि आपके मिनिमम सपोर्ट प्राइस को आप नहीं बढ़ा सकते हैं बियॉन्ड ए पॉइंट, उस इशू में मैं भी नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन AMS की लिमिट जो है 10% की है और वो हम ऑलरेडी क्रॉस करके 60 और 70 के बीच में आज गेहूं और पैडी का जो प्राइस है वो उसके बीच में आता है, उसको सब्सिडी मानते हैं उसकी लैंग्वेज में, तो वो उस पर चर्चा किसानों की होती है अक्सर, वो समझते हैं कि दोनों तरफ से जो जो प्रेशर पड़ रहा है उसका क्या इंजाम होगा, कहाँ वो जाएंगे। अब देखिए बड़ा साफ बात है कि किसान की अगर जो लागत है, जैसा कि सोमपाल जी ने बिल्कुल ठीक कहा, वो अगर निकल जाती है थोड़ी सी, मैं तो थोड़ी सी कहूंगा क्योंकि जैसा कि उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन कमीशन ने जो कहा था कि C2 कॉस्ट, वो तो हमने उसकी अनदेखी कर दी और कमिटमेंट हमारी थी उस तरफ कि हम उसको बढ़ाएंगे लेकिन वो नहीं हो पाया, तो किसानों के दिल में एक शंका पैदा हो जाती है कि जब आपने इतना कमिट किया था हमें हर इलेक्शन के फोरम पर, अगर हर नहीं कहूंगा तो कम से कम अधिक इलेक्शनों के फोरम पर प्रधानमंत्री जी ने भी और उनके बाकी सब जो पॉलिटिकल पार्टीज के उस पार्टी के नेता थे उन्होंने ये किसानों को विश्वास दिलाया था कि वो पहला काम जो करेंगे वो आके स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करेंगे, ये बिल्कुल ठीक बात है, और फिर एक एफिडेविट दिया गया बाद में सुप्रीम कोर्ट में कि हम ये नहीं कर सकते क्योंकि इससे मार्केट जो है डिस्टॉर्ट हो जाएगी। ये जो मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगी मुझे लगता है कि इसको समझने की बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में एक मार्केट का जो एक, मैंने आपसे पहले कहा, लॉबी जो है वो इतनी स्ट्रांग है कि वो ये सोचती है कि भाई हर चीज मार्केट के ऊपर आप छोड़ दीजिए। मैं इस बात में एक आपसे एग्जांपल देना चाहता हूँ, वो है बिहार का। मुझे याद है जब बिहार में 2006 में APMC एक्ट को हटा दिया गया था, उसको हटा के फेंक दिया गया था, तब भी बहुत एक्साइटमेंट थी कि बिहार विल बी ए हार्बिंगर ऑफ ए न्यू मार्केट फ्रेंडली रेवोल्यूशन इन इंडिया, अब पंजाब नहीं, अब बिहार इज द फ्यूचर मॉडल फॉर इंडिया, ये सब बातें हुई थी उस समय, और ये कहा गया था कि साहब अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी, अब प्राइवेट मंडियां बनेंगी, अब प्राइवेट डिस्कवरी होगी, और वो आज 14 साल हो गए हैं। मैं ये भी देखता हूँ कि हर साल जब ये क्रॉप हार्वेस्ट का सीजन आता है तो बिहार रिपोर्ट्स छपती हैं पंजाब हरियाणा में कि बिहार के कुछ अनस्क्रूपुलस ट्रेडर्स जो हैं वो इल्लीगली ट्रक लोड्स ऑफ वीट एंड पैडी को लाके पंजाब में बेचते हैं, क्योंकि पंजाब में न्यूनतम मूल्य मिलता है या हरियाणा में न्यूनतम मूल्य मिलता है, और बिहार में आप जानते हैं कि मेहनत बहुत करता है किसान लेकिन वो मार्केट्स के हवाले है और वहां पर 1200 1300 1400 या जो भी उसको रेट मिलता है। तो और आपने देखा भी है कि अभी जब रिवर्स माइग्रेशन हुआ तो रिवर्स माइग्रेशन में 8 करोड़ लोग एस्टिमेटेड हैं जो इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट वापिस गए हैं, उसमें से आपने देखा तकरीबन 50% लोग बिहार या ईस्टर्न यूपी की तरफ गए हैं। मेरा मानना है कि वो 14 साल जो हम इंतजार करते रहे उस रिफॉर्म का या उस रेवोल्यूशन का, वो जो है इट वाज ए फेल्ड अपॉर्चुनिटी। देवेंद्र जी, अभी जो आप बात कर रहे थे उसी से जुड़ी बात है कि केवल 6% किसान मिनिमम सपोर्ट प्राइस का लाभ उठा रहे हैं, केवल 3 या 3.5-4 राज्यों में ये मंडियां हैं, और इसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि इनकी वजह से किसान स्वतंत्र नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या बाकी देश में बाकी हिस्सों में किसान स्वतंत्र हो गए हैं, क्या उन्हें फ्री मार्केट के तमाम लाभ मिल रहे हैं जो बताए जा रहे हैं, या ये केवल एक कहना चाहिए सब्ज बाग दिखाने वाली बात है? आपने बिल्कुल ठीक सवाल किया कि शांता कुमार कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी उसमें था कि भाई 6% किसानों को सिर्फ MSP मिलता है देश में, उसमें से अधिकतर जो है पंजाब हरियाणा में है, पंजाब में 87% कम से कम प्रोक्योरमेंट होती है, CACP की रिपोर्ट है ये, और ऐसे ही हरियाणा में देखें तो 80% के आसपास तकरीबन प्रोक्योरमेंट होती है, लेकिन जो उसमें जो 6% का जो डाटा है उससे बड़ा क्लियर पता चलता है, 6 नहीं 10 कह लीजिए आप जो भी कह लीजिए, लेकिन 6 या 10% जो लोग, कुछ लोग कहते हैं कि पुराना हो गया 10% है, कोई बात नहीं, अगर 10% लोगों को भी MSP मिलता है देश में तो बाकी जो 90% है वो तो मार्केट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर मार्केट्स इतनी अच्छी होती तो मुझे बताइए कि जो हमारा खेती पे संकट है इतना गंभीर क्यों होता? आज हम जानते हैं कि खेती बहुत बहुत क्राइसिस से गुजर रही है, और उसका अगर ये मार्केट उसका सलूशन है तो आपने बिल्कुल ये ठीक सवाल उठाया कि वहां पर फिर ये क्यों मार्केट्स ऑपरेट नहीं कर पाई, ये जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आनी थी, जो प्राइवेट मंडियां बननी थी, जो प्राइस डिस्कवरी होनी थी, अब भी आप देख लीजिए वो कहां गई। दूसरी बात है कि अभी भी देखिए कि MSP जो है, अगर हम MSP को हटा देते हैं या सिर्फ जैसा कि हम जानते हैं
दो फसलों पे, गेहूं और धान पे एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट होती है, कुछ कॉटन भी है, सोयाबीन भी है, पल्सिस भी है, वो ठीक है, छोटी छोटी वो कम क्वांटिटी में होती है, लेकिन जो 23 फसलों पे जो सरकार एमएसपी अनाउंस करती है, मैंने देखा कि अधिकतर जो देश में जो प्राइसेस होते हैं वो उस एमएसपी से नीचे प्रिवेल करते हैं, उससे कम पे किसानों को बेचना पड़ता है। अब बताइए मुझे कि अगर वो एमएसपी जो प्राइस डिस्कवरी कहते हैं, मेरा यह मानना कि एक्चुअली एमएसपी ही प्राइस डिस्कवरी है, अगर हम वो एमएसपी भी ना बताएं देश को तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि इसका असली दाम क्या होना चाहिए था और मार्केट क्या दाम दे रही है। और यही जो डर है किसानों को पंजाब हरियाणा में, वो बिल्कुल वाजिब है कि अगर हमने एमएसपी हटेगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा अभी, देखिए ना, हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब ने कहा है कि 67% पॉपुलेशन को देश में हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर हम 2-3 रुपए पे अनाज देते हैं, तो वो जरूरत नहीं है, उसको 20% पे कर दिया जाए। जब आप 20% पे करेंगे तो आपकी पीडीएस की रिक्वायरमेंट भी ऑब्वियसली कम होती है, और जब पीडीएस की रिक्वायरमेंट कम होती है तो प्रोक्योरमेंट भी कम होती है। ये मतलब एक मैं आपको आस्पेक्ट बता रहा हूं। दूसरा, जब मंडियां खत्म होती है तो मंडियों में जब खत्म होती है तो एमएसपी भी खत्म हो जाती है। तो किसानों का डर जो है ना वो अनफाउंडेड नहीं है, वो गलत नहीं है। हमें चाहिए कि वो उस पर कैसे विश्वास दिलाया जाए, कैसे उस बात को एड्रेस किया जाए कि अगर 6% किसान थोड़े से संपन्न है कंपेयर टू बाकी कंट्री के, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि बाकी जो बच गए हैं 90% उनको भी क्यों ना वो बेनिफिट जो मिले, जो बाकी सिर्फ 6% तक लिमिटेड था अभी। जी, तो जी सोमपाल जी, ये आपने अभी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात की, इससे आगे अगर दूसरा भय है कि किसानों का कि वो धीरे धीरे अगर ये मंडियां बंद हो गई और मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हालांकि अभी सरकार कह रही है कि इसको कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि जब आपको किसानों को मनाना है तो आप ये वादा कर रहे हैं धीरे धीरे ये भी हट जाएगा, तो किसानों का डर ये है कि ये जो व्यापारी हैं ये उनके चंगुल में पड़ जाएंगे किसान, और फिर उनके हिसाब से रेट तय होंगे, उन्हें उनकी कीमत नहीं मिलेगी, इनके दबाव में जो कुछ भी, जो भी स्थितियां बनेंगी, उन्हें अपनी फसलों को बेचना पड़ेगा, इसका कोई उपाय इन 3 कानूनों में तो नहीं है। इस विषय के ऊपर 3 पक्षों के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला तो ये कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और विधान द्वारा नियमित मंडियों की स्थापना भारत में हुई 50 के मध्य से दशक से और कुछ बाद तक, परंतु भारत में सबसे पहले आप आश्चर्य करेंगे कि ये आजादी से करीब 8 वर्ष पूर्व 1939 में, उस समय के संयुक्त पंजाब में, जिसमें पाकिस्तान वाला वर्तमान पंजाब, हमारा पंजाब, हमारा हरियाणा और हिमाचल सम्मिलित हैं, उस समय के किसान नेता, उस समय के राजस्व और विकास मंत्री चौधरी छोटूराम के पहल के ऊपर एपीएमसी एक्ट आया था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट, और वह लाया इसलिए गया था कि किसान की जो मैंने दशा आपको बताई कि उसको डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती है मजबूरी में, क्योंकि उसके सारे खर्चे इतने बढ़ जाते हैं, कर्ज का दबाव बढ़ता है कि वो 24 घंटा भी प्रतीक्षा करने की स्थिति में नहीं रहता, तो उसको एक निश्चित मूल्य मिल जाए, और उन मंडियों की जो संरचना थी उसमें लॉ में ये लिखा था कानून में कि उसमें 2/3 प्रतिनिधित्व किसान प्रतिनिधियों का होगा। आप आश्चर्य करेंगे कि भारत की सारी मंडियों में केवल प्रशासनिक अधिकारी और आढ़तीय बैठे हैं, और लाइसेंस प्रणाली के माध्यम से जो कंपटीशन खरीदारों के बीच में होना चाहिए था, बेचने वालों के नहीं, बेचने वाला तो मजबूर है, उस कंपटीशन को घटाकर एक ओलिगोपोली या मोनोपोली, जिसको एक एकाधिकार की प्रवृत्ति कहते हैं, और मैं बहुत दावे से कहता हूं, हालांकि शर्म आती है बात कहते हुए, कि भ्रष्ट सरकारी अधिकारी जो मंडियों के प्रशासक बने बैठे हैं, उनकी और आढ़तियों की मिली भगत से किसान का शोषण होता है। एक तो ये बात जरूरी है कि जिस समस्या से निपटने के लिए इसको लाया गया था, और ये ठीक है कि वो पूरी सुचारू रूप से नहीं चल पाई, जैसे अभी आपने 6-7% किसान को लाभ होने की बात कही, तो इस फाइंडिंग को, उसकी जो ये सूचना है शांता कुमार समिति की, उसको इस तरह से पेश किया जाता है कि केवल बड़े किसान इससे लाभान्वित होते हैं, परंतु ये बात नहीं है, ये सरकारों की असफलता है, और मुख्यतः उन राज्य सरकारों की है जिसमें बिहार अग्रणी है, कि वो अगर वहां खरीदारी की व्यवस्था नहीं करेंगे तो किसान कहाँ बेचेगा, तभी तो वो, और फिर किसान को अपने देश में कहा जाता है कि चोरी से लाकर पंजाब बेच रहे हैं अपनी पैदावार को, आप विश्व व्यापार को, वैश्विक
व्यापार को खुला करना चाहते हैं पर अपने देश में किसान को चोरी करनी पड़ती है इन कानूनों के कारण, तो उसकी उस स्थिति में सुधार करने की आवश्यकता थी। तो अगर मंडी समिति को, न्यूनतम समर्थन मूल्य को समाप्त किया गया तो हम उसी काले युग में पहुंच जाएंगे जब किसान को खरीदते समय शोषण करता था व्यापारी और बेचते समय उपभोक्ता का शोषण करता था, और जिस आवश्यक वस्तु अधिनियम एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को लागू किया गया है उसको भी समाप्त कर रहे हैं, तो शोषण के दोनों दरवाजे चौपट खोल दिए सरकार ने, ये आशंका निर्मूल नहीं है। दो पक्ष तो इसके ये हैं। तीसरा इसका पक्ष ये है जो मैं और देवेंद्र जी दोनों जानते हैं, मैं खासतौर से इसलिए भी जानता हूं कि मैं नीति निर्धारण के सर्वोच्च स्तर पर संसद से लेकर योजना आयोग और मंत्रिमंडल में रहा हूं। एक वर्ग है और वही उसी का प्रभुत्व है आजकल पॉलिसी मेकिंग में, नीति निर्धारण में, जो बाजारवाद का और उदारीकरण का बहुत बड़ा वकील है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप चाहेंगे तो 10-20 इकोनॉमिस्ट का नाम ले दूंगा जिसमें वर्तमान जो परामर्शदाता हैं अर्थशास्त्री सुब्रमण्यम वो भी सम्मिलित हैं। वो कहते हैं कि सब बाजार के हवाले कर दिया जाए, तो बाजार के हवाले तो एडम स्मिथ ने कहा था, तो बाजार के हवाले तो यूरोप का भी किसान नहीं है, अमेरिका का भी नहीं है, जिन पूंजीपति व्यवस्थाओं को हम गालियां देते हैं। आप आश्चर्य करेंगे मुकेश जी कि उनके यहाँ जो किसान को सुविधा दी जाती है अगर वो हमारे देश में दी जाए तो उस मॉडल की मैं पूजा करने वाला, इतना बढ़िया मॉडल है वो, डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम है। लेकिन लेकिन सोमपाल जी वहां भी स्थितियां अच्छी नहीं है, वहां का किसान भी परेशान है, वहां जो हैवी सब्सिडी दी जा रही है इसकी वजह से वहां फार्मिंग फिर भी थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन ऐसा नहीं कि वहां का किसान डिस्ट्रेस में नहीं है। एक आदर्श अवस्था तो मनुष्य की कभी नहीं होती, व्यक्ति के घर में भी नहीं होती, कुछ कमियां रहती हैं। यहाँ सवाल कंपैरिजन का है, मैं एक ठोस उदाहरण दूं आपको। 2017 में मैं स्विट्जरलैंड गया और उनके फेडरल ऑफिस में जाकर मैंने उनके रिकॉर्ड से देखा 2993 यूरो प्रति हेक्टेयर स्विट्जरलैंड के फार्मर को औसतन सरकार वजीफा देती है, वजीफा देती है केवल उसको खेती में रिटेन करने के लिए। अगर भारतीय रुपए में उसको हम बदलें विनिमय करें तो करीब 90,000 रुपया प्रति हेक्टेयर बैठता है, 240,000 रुपया प्रति हेक्टेयर, 90,000 रुपया प्रति एकड़ बैठता है, तो आप दिलवा दीजिए ना इतना। तो मैं ये नहीं कहता कि वहां कमी नहीं है और ये बिना मतलब का ढोल पीटा जाता है, वो है भी 2%, यूरोप में करीब 8%। तो मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं कि वहां का किसान दुखी है, वो छोड़ना इसलिए चाहता है कि दूसरे व्यवसाय उससे भी बेहतर है, पर वो गरीबी में नहीं है, विपन्नता में नहीं, असहाय नहीं है, सरकार उसको सहारा देती है। मैं इसमें इस पर वापस रोकूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि देवेंद्र जी भी इस पर हस्तक्षेप करें कि हम जिस विदेशी मॉडल की बात करते हैं मुझे हमें बहुत आकर्षित करता है। तीन आयाम कहे थे उसमें एक छोटी सी बात बची हुई है जी। मैं कहना चाहता हूँ कि इन अर्थशास्त्रियों का सरकार को सदा से ये सलाह रही है कि इस सबको हटा दीजिए, ये अनावश्यक बोझ है सरकार के ऊपर, न्यूनतम समर्थन मूल्य में जो सरकार को खरीद करनी पड़ती है उससे उसका वित्तीय घाटा बढ़ता है, और आधारभूत संरचना में जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है सार्वजनिक निवेश उसमें कमी आती है तो देश की आर्थिक प्रगति अवरुद्ध होती है। ये अभी भी रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया, अभी जो 2-3 महीने पहले निकली है, 2 महीने पहले। इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए जो आशंका हो रही है वो यही है कि इन दोनों व्यवस्थाओं को कहीं समाप्त तो नहीं कर देंगे, बस मैं इतनी बात कहता हूँ, वह आगे चले आऊ जी। देवेंद्र जी, ये अक्सर बात उठती है कि चूंकि फ्री मार्केट की बात हो रही है, उदार व्यवस्था की बात हो रही है और किसानों को भी उसका लाभ मिलना चाहिए, ये तर्क बार बार दिया जाता है और इसमें अक्सर विदेशों की बात करते हैं, अमेरिका और यूरोप की बात करते हैं, वहाँ जो मॉडल है कृषि का उसकी बात की जाती है, लेकिन उसके भी अपने प्लस माइनस हैं, इस पर जरा आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, जब ये अक्सर कहा जाता है कि हम ओपन मार्केट्स एग्रीकल्चर में लेके आ रहे हैं, तो ये जो हमें नहीं बताया जाता है वो ये है कि अमेरिका और यूरोप में जहाँ से हम ये मॉडल को कट एंड पेस्ट कर रहे हैं या फॉलो करते हैं, वहां पर क्या हाल है खेती का। मैं ये इसलिए समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका में तकरीबन 7 दशक से खेती, हम कम से कम मैं 7 दशक से जानता हूं जहां से ओपन मार्केट उनके सिस्टम ऑपरेट करती आई है, और उसके बावजूद आज हम देख रहे हैं कि अमेरिकन किसान
एक तो ये हुआ कि बड़े फार्मर्स जो हैं वो रह गए हैं या बड़े बिजनेस के साथ कुछ जुड़ गए हैं, और तभी उनके जो अभी आजकल के डोनाल्ड ट्रंप जी के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने कहा है अभी कि अमेरिका में द बिग गेट बिगर द स्मॉलर गो आउट। तो जो स्मॉल किसान हैं, छोटे किसान हैं, वो तो खेती से निकल गए या निकल रहे हैं, और भी 1.5% जो पॉपुलेशन है वो रह गई है खेती के अंदर अमेरिका में। लेकिन $425 बिलियन की बैंक्रप्सी किसानों के सिर पे खड़ी है, और जो रेट ऑफ सुसाइड है वो रूरल एरियाज में 45% ज्यादा है, अधिक है शहरों से। तो इससे आपको ये पता चलता है कि वहां पर भी क्राइसिस जो है बहुत सीवियर है। आप कोई अखबार उठा लीजिए, टाइम्स टाइम मैगजीन ले लीजिए, न्यूज़वीक ले लीजिए, गार्डियन ले लीजिए, कोई ले लीजिए, आपको उसके ऊपर कवर स्टोरीज मिलेंगी कि अमेरिका में एग्रीकल्चर में कितना डिप्रेशन चल रहा है, कितना भयंकर क्राइसिस चल रहा है, ये सब आपको डाटा मिलेगा। मैंने तो आपके सामने कुछ ही डाटा अभी रखा है। और वहां पर तो वॉलमार्ट जैसी कंपनियां भी हैं जिनके ऊपर, दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है जिसके ऊपर स्टॉक लिमिट नहीं है, वहां पर तो वायदा बाजार भी है, कमोडिटी ट्रेडिंग होती है, सबसे बड़ा एक्सचेंज शिकागो में है, और वहां पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी है। ये सब होने के बावजूद क्या कारण है कि अभी एक अध्ययन हुआ अमेरिका में कि 87% फार्मर्स जो भी रह गए हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें सूनर और लेटर निकलना पड़ेगा खेती से। और ये तब हो रहा है जब सरकार की पूरी पूरी सपोर्ट है एग्रीकल्चर को, ताकि वो बचा रहे एग्रीकल्चर, या जो छोटे किसान हैं खेती में या जो भी हैं वो रहे। अब देखिए, अभी 2018 का उनका एक फॉर्म बिल आता है हर 5 साल, 2018 के फार्म बिल में तकरीबन $870 बिलियन का प्रावधान है एग्रीकल्चर की बाय वे ऑफ सपोर्ट जो उन्होंने करनी है फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स। ये इतना, ये सिर्फ आज नहीं है, पिछले, ये जब से ग्रेट डिप्रेशन हुआ है 1930 के दशक में, तब से ये फॉर्म बिल वहां पर चलता आ रहा है, और हर 5 साल के बाद या 10 साल के बाद किसानों को इतनी सपोर्ट मिलने के बावजूद भी खेती से वो निकल रहे हैं। एवरेज जो सपोर्ट है किसान को अमेरिका में वो $62,000 की है साल की। हमारे देश में WTO जो सेंटर है भारत का, वो बताता है कि हमारे देश में किसानों को $280 के हिसाब से तकरीबन इतनी एवरेज सपोर्ट मिलती है, वहां पर 62,000, और तब भी वो खेती छोड़ रहे हैं, तब भी सुसाइड हो रहे हैं। अगर आप यूरोप में देखें सर, तो यूरोप में कोई पिक्चर अच्छी नहीं है। यूरोप में मुझे याद है बहुत 2 दशक पहले की बात होगी, एक UK फूड ग्रुप लंदन में है, मैं उसकी कॉन्फ्रेंस में गया था, तो वहां उन्होंने ये कहा था कि एवरी मिनट 1 फार्मर इज क्विटिंग एग्रीकल्चर इन यूरोप। तो ये उसमे का जो ये सिचुएशन है वो इसलिए कि अभी भी आप देखें $100 बिलियन इज द सब्सिडी सपोर्ट फॉर एग्रीकल्चर, जिसमें से 50%, जैसे कि सोमपाल जी ने पहले कहा, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट किसानों को मिलती है। वहां पर तो जब आप खेती में ज्वाइन करते हैं तब भी एक इंसेंटिव मिलता है, जैसा कि सोमपाल जी ने कहा, उसके बाद आपको हर चीज में वहां पर सपोर्ट मिलती है, चाहे आप सुअर रखें, चाहे घोड़े रखें, चाहे आप गाय रखें, सपोर्ट मिलती है। मशीनरी के लिए बैंकों से सपोर्ट मिलती है। जब आप रिटायरमेंट हो जाती है, 55 साल के आप हो जाते हैं, तब भी when you want to hang your boots, तब भी आपको सपोर्ट मिलती है, यानी एक पेंशन तरीका उन्होंने दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो बिल्कुल सोमपाल जी ने कहा कि अगर वहां के मार्केट्स सब्सिडी पर टिके हुए, जिनको हम यहाँ मार्केट एफिशिएंसी कहते हैं भारत में, एक्चुअली वो सब्सिडी पर टिकी हुई है। अब उसका एक उदाहरण मैं और देना चाहता हूँ। 2007 में अनटेड इंडिया एक ग्रुप है, उनकी स्टडी थी, UN की बॉडी है, उनकी स्टडी थी कि अगर ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज होती हैं WTO की भाषा में, जो कि नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी मानी जाती हैं, अगर ये सब्सिडीज हटा ली जाएं तो अमेरिका, कनाडा और यूरोप का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो 40% ड्रॉप हो जाता है। कहने का मतलब है सिर्फ एग्रीकल्चर ही उस पर सब्सिडी पर टिका हुआ नहीं है, इवन एक्सपोर्ट्स जो है वो भी सब्सिडी पे टिके हुए हैं उनके। और हम यहाँ मानते हैं कि ये अमेरिकन और यूरोप, ये इसकी एफिशिएंसी है, कॉम्पिटिटिवनेस ने ये सब किया है। अगर आप उनकी सब्सिडी, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अगर हमारे देश में भी किसानों को देंगे, हमारे देश के किसान भी उतने ही कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, शायद उनसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे जी। लेकिन सोमपाल जी, वो सब्सिडी का नाम आते ही हमारे यहाँ जो हमारे आर्थिक सलाहकार है या जो गुलाबी अखबारों में काम करने वाले आर्थिक पत्रकार हैं, वो सब उछल कूद मचाने लगते हैं और बजट घाटे की बात करने लगते हैं। कारपोरेट के लिए जब बड़े मात्रा में स्टिमुलेशन दिया जाता है, तमाम तरह से मदद दी जाती है लाखों करोड़ की, तब तो कुछ नहीं होता है। लेकिन किसानों के कुछ कर्जे माफ हो जाएं तो हाय हाय होने लगती है। किसानों को ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर भी आपत्तियां हैं, और इसीलिए सरकार क्या भागना चाहती है, किसानों को धकेल कर इससे पिंड छुड़ाना चाहती है जी। ये तो मैंने कहा आपको शुरू में कि मुझे तो आशंका है ये, और किसानों को जो आशंका है वो निराधार नहीं है, बड़ी वाजिब आशंका है वो।
लगता है ये डर, क्योंकि मैं तो इन बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों की संगति में रहा हूँ करीब एक दर्जन वर्ष से ज्यादा, योजना आयोग में रहा, हमारे साथी भी कुछ रहे, मैं फिर कहता हूँ नाम नहीं लूंगा, वो लोग माफ कीजिए मैं एक बड़ा गंभीर और बेहुदा से लगने वाला आरोप लगा रहा हूँ, ये सब उन पश्चिमी देशों के कारपोरेट ऑफिस का, वहां की सरकारों के बिहस पे, उनके आदेश पर छिपे हुए और उन लॉबीज के तहत काम करते हैं इनको वहां। एक तरफ तो हमारे मोदी जी कहते हैं कि हार्वर्ड नहीं चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, और सलाहकार उनको हार्वर्ड का ही मिलेगा, हार्वर्ड का ही मिलेगा सलाहकार, कोई देख लीजिए आप, मिस्टर पान गड़िया हो, एक और सुब्रमण्यम आए थे पहले, उनसे एक बार मेरी झड़प भी हो गई थी सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में, हमने कोई निवेश की बात उठाई कि कैपिटल फॉर्मेशन एग्रीकल्चर में लगातार घटता जा रहा है 70 के दशक से, तो वो कैसे प्रगति करेगा, आप कहते हैं 4.5% पर एनम बढ़ना चाहिए, तो कम से कम उसमें 22-23-25% अगर पूंजी की संरचना होगी तभी तो बढ़ेगा, और पूंजी की संरचना घटते घटते आ गई थी 7% के ऊपर और पब्लिक सेक्टर में तो 2% के करीब आ गई, तो कहां से प्रगति हो जाएगी। तो उन्होंने चिढ़कर मुझे कहा, वो कॉन्फ्रेंस थी बाकायदा, कि मिस्टर रोमपाल nobody knows what should be the investment in agriculture. I said, Dr. Subramanyam, you people sitting in Washington and New York and in Bretton Woods institutions may not be knowing. I can give you all the figures in writing within 10 minutes. What is the requirement of investment in India? तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं इन सबको जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से, ये तो उनके वो ज्यादा ही खराब हो जाएगा उनके प्लांट किए हुए लोग हैं, ये षड्यंत्र है, बड़ा भारी अंतरराष्ट्रीय है ये तो उनके टुकड़ों पर पलने वाले लोग हैं, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आपको सबूत दे दूंगा, एक आध घटना बताई है, परंतु इस सब के बावजूद मेरा ये कहना है, एक छोटी बात मैं और कह दूं, आप चाहे मुझे अलग से सवाल पूछ लीजिए, मेरी मान्यता यह है कि अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली और वर्तमान मंडी समिति को बरकरार रखना ही काफी नहीं है, बल्कि इनको संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, सीएसीपी को, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस को, उसको भ्रामक नाम दिया गया, बड़ा मिसलीडिंग नाम है, कमीशन, कमीशन नहीं है वो, एक छोटा सा विभाग है, और आप आश्चर्य करेंगे कि उसका सचिव भी स्तर का भी अध्यक्ष नहीं होता, केवल ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का, संयुक्त सचिव का स्तर का अधिकारी उसका अध्यक्ष होता है, उसकी जो सिफारिश है वो सरकार माने कि नहीं माने उनकी मर्जी है, तो उसको संवैधानिक दर्जा देकर उसकी सिफारिशें सरकार के ऊपर बाध्य हो, मान्य हो, यह करना जरूरी है। और दूसरा, न्यूनतम समर्थन मूल्य को किसान का वैधानिक अधिकार बनाया जाए, लीगल राइट बनाया जाए, जो जस्टिसिएबल हो, और उसके लिए उसको सीधे सीधे एक तरह से जैसे फंडामेंटल राइट होता है उस तरह का अधिकार दिया जाए, तब तो ये जो सुधार किए हैं उनका लाभ हो सकता है निश्चित रूप से। उसका मैं जो पक्ष है वो दूसरे सत्र में आपको बता दूंगा, क्योंकि मेरी लंबी हो गई ये बात पूछ लीजिए कि मैं क्यों मानता हूं कि लाभ हो सकता है इनका, बशर्ते वो शर्त भी उतनी महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है हमारे कुछ श्रोता और दर्शक सवाल पूछने लगे हैं। अंकुर, क्या सवाल है? क्या एक सवाल मैं अभी देवेंद्र जी से और पूछना चाहता हूँ, उसके बाद सवाल लेना शुरू करें? हाँ, ऐसा कर लेते। देवेंद्र जी, मेरा अब चूंकि अंतिम बड़ा डर जो है वो आपने भी बता दिया कि विदेशों में भी किसान धीरे धीरे छोटे किसान खेती छोड़कर भाग रहे हैं, क्योंकि वो फायदे का सौदा नहीं रह गया है। अब क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान में भी हमारी सरकार उसी दिशा में जा रही है, जिसमें जिस तरह से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, रेलवे, तमाम पब्लिक सेक्टर की कंपनियों पर जो निजी पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, वो कब्जा करते जा रहे हैं, उसी तरह से खेती पर भी उनके कब्जे की राह खोली जा रही है। ये और कुछ नहीं है, किसानों को खेती से हटाकर मजदूर बनाने की प्रक्रिया है ये, और जो खेती है वो बड़े बड़े उद्योगपतियों, कारपोरेट जगत के लोगों के कब्जे में आएगी। ये इस कानून जो 3 पास हुए हैं उसका भविष्य है। देखिए, इसको समझने के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा हम जरा पहले उस पीरियड में जाएं। मुझे याद है जब मैं बतौर पत्रकार था, तो 1996 की यह बात है सर, मैं एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन चेन्नई में एक कॉन्फ्रेंस में गया था, और उस समय के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वर्ल्ड बैंक के जो वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर इस्माइल सेरागल्टन, मुझे अब तक उनका नाम याद है, मेरी उनसे बहुत अच्छी चर्चा भी होती थी, और उनका प्रेजेंटेशन उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट करता है कि अगले 20 साल में यानी 2015 तक जो लोग भारत में गांव से शहरों की तरफ प्लान करेंगे
उनकी जनसंख्या इंग्लैंड फ्रांस और जर्मनी की जनसंख्या से दुगनी होगी। इंग्लैंड फ्रांस और जर्मनी की जनसंख्या 20 करोड़ थी उस समय भी और अब भी, और वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट था कि 40 करोड़ लोग जो हैं वो गांव से निकलकर शहरों में आएंगे। और मैं बहुत साल तक ये सोचता रहा कि शायद ये हमें सचेत कर रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं, लेकिन बाद में जब वर्ल्ड बैंक की एक एनुअल रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसको अगर हम पढ़ते हैं तो मुझे याद है 2008 के जो डॉक्यूमेंट में या उस रिपोर्ट में लिखा था कि जो आपको ऐसे कुछ भाषा में था कि जो काम दिया गया था वो नहीं हुआ, अब जल्दी करिए। जल्दी करने का मतलब इन्होंने कहा कि भाई लैंड रेंटल्स में जाइए, भूमि अधिकरण करिए, और जो लोग खेती हैं उनको खेती से निकाल कर उनको शहर में लाइए, और ये क्योंकि जो जमीन है वो प्रोडक्टिव एसेट है और जो उनके हाथ में है जो कि इनएफिशिएंट प्रोड्यूसर है, तो हमारे भारत के किसान जो है वो इनएफिशिएंट प्रोड्यूसर की कैटेगरी में दे, उनको आप शहर में लाइए। शहर में क्योंकि ये जो यंग है एग्रीकल्चर में, उनको खेती के अलावा कुछ नहीं आता, तो उनको ये सिखाने के लिए कि भाई इंडस्ट्रियल लेबर में कैसे, फोर्स में कैसे वो ज्वाइन करें, तो आप एक नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूट खोलिए कंट्री में जो कि उनको ये ट्रेनिंग दे। मुझे याद है सर 2009 के बजट में 1000 ITIs का प्रावधान हुआ था। तो मतलब ये जो और सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने ये कोशिश की है कि भाई गांव से खेती से और खेती से लोगों को निकाल कर हम शहर में लेके आए, ये हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी का हिस्सा है जिसको मैं हर बार बोलता आया हूँ कि वी हैव डिलिबरेटली केप्ट एग्रीकल्चर इम्पॉवरिश्ड। क्यों? क्योंकि शहरों में जैसा आपने कहा बिल्कुल ठीक, क्योंकि आपको सस्ती लेबर चाहिए। अभी पीछे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो पूर्व गवर्नर साहब थे, एक पूर्व गवर्नर जो थे बड़े सेलिब्रेटेड हैं, उनकी स्टेटमेंट थी, एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा था सबसे बड़ा रिफॉर्म तब होगा जब हम खेती से लोगों को निकालकर शहर में लाएंगे, क्योंकि शहर में चीप लेबर की जरूरत है, यानी दिहाड़ी मजदूर की जरूरत है। अगर दिहाड़ी मजदूर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो मुझे लगता है कि सारे इकोनॉमिक मॉडल को दोबारा देखना पड़ेगा, और ये बहुत जरूरी है। ये जो बिल्स आए हैं, ये आपकी बात में उसका जवाब दे लूं, जो बिल्स आए हैं ये उसी कड़ी का एक हिस्सा है और उसी को हम मजबूत कर रहे हैं कि कॉर्पोरेटाइजेशन जब एग्रीकल्चर हो जाएगा तो ऑब्वियसली जो बिग गेट बिगर स्मॉल गो आउट, जिसमें मैंने आपसे पहले कहा था कि अमेरिका की जो स्टेटमेंट्स रही हैं एग्रीकल्चर सेक्रेटरीज की, गेट बिग और गेट आउट। एक और बात बता दूं आपको, ये उनकी अपने लिए नहीं थी, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है एक वॉशिंगटन में जो कि ग्लोबली बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके डायरेक्टर जनरल ने भारत के लिए सलाह दी है मूव अप और मूव आउट। वही पॉलिसीज जो है मुझे लगता है कि हम अपने देश में उसको विस्तार कर रहे हैं, उसको लेके आ रहे हैं। जी, तो कुल मिलाकर ये है कि ये केवल लड़ाई एमएससी की नहीं है, अपने वजूद की लड़ाई है किसानों के सामने, और किसान इसीलिए इतने डरे हुए हैं, ये बहुत सारे डर मिलकर एक बड़ा डर जो उनके सामने है कि वो खेती से बेदखल किए जाने वाले हैं, उनके खेतों पर दूसरे कब्जा करेंगे और उन्हें मजदूरों में तब्दील कर दिया जाएगा। मोटे तौर पर ये बातचीत हमने कर लिया, हम अपने दर्शकों को शामिल करेंगे क्योंकि दर्शक भी हमारे बहुत प्रबुद्ध है और कुछ ऐसे सवाल उठा सकते हैं जो हम अभी जिनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं गया है, तो हमको शुरू करें। जी सर, सबसे पहला सवाल रितेश कुमार जंगू जी का है जो कि सोमपाल शास्त्री सर के लिए है। वो कह रहे हैं कि किसानों की बात ठीक ढंग से नहीं पहुंच पाना, इसका मुख्य कारण ये तो नहीं कि किसानों के पास एक जमीन से जुड़ा हुआ नेता नहीं है, जो किसी जमाने में चौधरी देवीलाल चौधरी व चरण सिंह हुआ करते, वो थोड़ा नेता जो है वो अपने आप नहीं बनता, ना नेता पैदा हुआ बनता है, और अगर पैदा हुआ नेता बनता है, जैसे कि कुछ लोग इम्प्रेशन देना चाहते हैं कि फला नेता का पुत्र जो है वो भी नेता होगा, तो आपके सामने देख लिया दूसरी तीसरी पीढ़ी आते आते वो लोग वो भी बिक जाते हैं, वो भी अय्याश हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। जो वास्तविक चिंताएं उनके पिता दादा ने की थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं ज़्यादातर उन नेताओं के परिवारों को जानता हूँ, तो नेता तो जनता बनाती है। अब आप मुझे मानते हैं कि मुझे थोड़ी बहुत समझ है, देवेंद्र शर्मा जी को मानते हैं, अगर हम चुनाव में खड़े हो जाएं दोनों तो हमारी जमानत जब्त हो जाएगी। नेता तो पब्लिक मानती है, हमारे बस की बात नहीं है, ये हमारे कि कुछ नहीं होते हुए भी और ये डर होते हुए भी कि शाम को शायद CBI हमारे घर पर छापा डाल दे, तो हमारे में ये ताकत तो है ना। मैं और देवेंद्र कह तो रहे हैं किसान की बात, और ये जो बाकी लोग हैं उनको तो न कहना आता, और वो अपनी दुकानें भी चलाते हैं, नाम मत लिवाइएगा हमसे, हम बहुत सारे किसान नेताओं की भी बातों को जानते हैं जो रोज आपको सड़क पर घुमाते हैं। और उसमें एक और उसका पक्ष है कि परसों एक किसान नेता से हमारी बात हो रही थी आप ही के चैनल पर, अमरीश जी भी साथ थे, हमने कहा उनसे कि आप जो सड़क रोक रहे हैं, रेल रोक रहे हैं, इससे मोदी जी या सत्ता में बैठे हुए लोगों को, वो तो एयर कंडीशन मकानों में सुरक्षा में बैठे हुए हैं पुलिस के घेरे में और मिलिट्री के, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ रहा, जो आपका भाई
जो अस्पताल जा रहा है, जो नौकरी पर जा रहा है, जो कहीं इम्तिहान देने जा रहा है, किसी को विदेश यात्रा करनी है, किसी को कुछ और मुकदमे की तारीख पर जाना है, उनको आप सड़क पर लेकर उनको क्यों परेशान कर रहे हैं? तो नेताओं का भी मामला अजीब है। तो अभी नेता बनना देखिए किसी के बस का नहीं है। नेताओं की जो जान तो वोट में टिकी हुई है ना, नेताओं की जो जान जो है वो वोट में, वोट मत पेटी में बंद है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन में। तो मतदाताओं को मोबिलाइज करके वो उन्हीं को धक्का पहुंचा रहे हैं ना इस आंदोलन से। दिल्ली में तो उनको आने नहीं देंगे। मुकेश जी हमसे कड़वी बात मत कहलवाइए, मैं आपको ठोस उदाहरण दे दूंगा, यहाँ नाम लेना उचित नहीं ले रहेगा। जो नेता रिश्वत भी लेता है, चरित्रहीन भी है, अपने मतदाताओं से बदतमीजी भी करता है और उसको भले आदमी के खिलाफ ज्यादा वोट मिलता है, इसको हमें आप समझा दीजिए क्या शास्त्र है, इसलिए हम इसका उत्तर दे नहीं पाएंगे, माफी चाहूंगा। अगला सवाल जगदीश जी का है, जो कि पूछ रहे हैं देवेंद्र सर आपसे, उन्होंने नाम तो नहीं लिखा है लेकिन सोमपाल सर से हो गया, तो आपसे सवाल है ये कि मेरा सवाल है कि अध्यादेश 5 जून को आया, उस अध्यादेश के दिन से इन अध्यादेशों के माध्यम से कितने काम हुए, यानी कि किस कंपनी ने खरीदा अनाज, किसने भंडारण किया? देखिए ये अभी तो शुरुआत हुई है, अभी आप देखिए जब ऑर्डिनेंस आए उसके बाद पार्लियामेंट में पास होना था। ये तो कंपनियां भी जानती हैं कि वो ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं करती हैं कि एक ऑर्डिनेंस आ गया तो कल से आप देखेंगे कि सारा जो माहौल है बदल जाएगा या इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगी। तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए, सब्र कर लीजिए, देखिए अभी जो लॉज पास हुए हैं उसके जब ये रूल्स भी आ जाते हैं तो वो रेडी बैठे हैं। लेकिन आप ये देखिए पंजाब में, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि कुछ एक जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि कुछ बड़ी कंपनियों ने फाजिल्का बोहर साइड में राइस मिलर से बात करनी शुरू कर दी है कि हम आपसे मतलब किस में सौदा होगा और उसी को बाद में कन्वर्ट किया जाएगा एज ए प्राइवेट मार्केट। अब ये देखिए ये प्रयास शुरू हो गए हैं, कई जगह पर ये भी प्रयास हो रहे हैं कि साहब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से वो कंपनियां कह रही हैं कि साहब हमें 3,000 acres जमीन दिला दीजिए किसानों को मिलाकर हम उस पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के, ये भी प्रोसेस शुरू हो चुके हैं। तो ये मत सोचिए कि नहीं हुए हैं, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, आगे आगे देखिए होना है क्या, यही कंपनियां आएंगी और यही कंपनियों का वर्चस्व है जो बढ़ेगा। अगला सवाल राजेश भारती जी का है, जो कि उन्होंने फेसबुक पर पूछा है कि MSP अनिवार्य करने से सरकार को क्या नुकसान होगा, खुलकर बताएं। सोमपाल सर ये बात मैं पहले बता चुका हूँ, ये सवाल वैसे उठना नहीं चाहिए था कि अर्थशास्त्री जो परामर्श देते हैं सरकार को सलाह, उनका कहना ये है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य अनिवार्य बनाने से किसान को कम से कम उतने मूल्य पर उसका एक एक दाना खरीदा जाएगा तो सरकार के ऊपर वित्तीय दबाव पड़ता है उसका, और उसे खरीदने के बाद खाद्यान्न उसके पास रह जाता है, पूंजीपतियों को व्यापार में, प्रसंस्करण में, निर्यात में जो खेल करना था, जो शोषण करना था वह कम हो जाता है, क्योंकि एक बेंचमार्क बन जाता है कि इतना तो उसको दाम मिलेगा ही, ये उसको सरकार को नुकसान होता है और जो सरकार के पिट्ठू पूंजीपति हैं उनके हाथ से वो बड़ा बिजनेस जो आ सकता था वो निकलता है, इसलिए वो इसको करना चाहते हैं, ये पीछे उसके मानसिकता है। शिवम जी का सवाल है देवेंद्र सर की, जो कृषि है वो स्टेट के क्षेत्र में आता है, उसके दायरे में आता है, तो सरकार बिना राज्य की से अनुमति लेकर बात करके कैसे ये बना सकती है, एक्ट ला सकती है? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं कि एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो एग्रीकल्चर में स्टेट से वो करना चाहिए था, बातचीत करनी चाहिए थी, और ये हमने देखा है कि जो पहले प्रयास हो रहे थे, जो 2003 से मैं पहले कह रहा था कि जो प्रयास हो रहे थे उसमें बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट के साथ दबाव में भी किया गया कि आप अपने APMC एक्ट को अमेंडमेंट करिए, ये सब हुआ कि अगर आप APMC एक्ट को अमेंड करेंगे तो हम आपको ज्यादा रिसोर्सेज देंगे, ये सब बातें भी कही गई थी, लेकिन फिर भी स्टेट्स जो है वो रिलक्टेंट थी, नहीं कर रही थी, इसीलिए ये एक जो अध्यादेश का जो तरीका था वो अपनाया गया और इसमें इंप्लीमेंट फोर्स किया गया। अब देखिए पंजाब सरकार ने, जैसा कि आप जानते ही हैं कि उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है, इसको रिजेक्ट किया है, ये जो ऑर्डिनेंसेस हैं और जो अब लॉ बन चुका है, ऐसे ही कुछ स्टेट्स कह रही हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे, अपनी ऑब्जेक्शन उन्होंने भी जाहिर की है, तो ये फेडरलिज्म के ऊपर तो सवाल खड़ा होता ही है, और जो एग्रीकल्चर जो है जो कि स्टेट सब्जेक्ट था वो अगर स्टेट के हाथ से चला जाएगा तो उसका क्या आगे आने वाले दिनों में इम्प्लीकेशन होगा, इस पर चर्चा और भी जो होनी चाहिए व्यापक स्तर पर, और मुझे लगता है कि होने की जरूरत है, लेकिन राज्यों की रेवेन्यू भी इससे जा रही है देवेंद्र जी, 6% रेवेन्यू जो मिलता था इसके जरिए, ये नए कानून लागू होने से उनके हिस्से की वो रेवेन्यू भी चली जाएगी,
जो आपने, मैं इसी पे आ रहा था, आप जो कह रहे हैं कि पंजाब में मंडियों के स्ट्रक्चर से 6% का जो उनका एवरेज टैक्स है उससे, जिसमें मंडी फी भी है, रूरल डेवलपमेंट फीस भी है, उससे 6% का टैक्स मिलता था, जो कि 3,500 करोड़ के हिसाब आसपास ये बैठता है। और ये 3,500 करोड़ रुपए जो है, इसी से मंडियों के ऊपर जो खर्चा होता है, जो जो आपको चाहिए मंडियों के रखरखाव के लिए, वो एक चीज पे खर्चा होता था। दूसरा, आप जानते हैं कि पंजाब स्टेट में बहुत बढ़िया एक विलेज रोड्स का नेटवर्क है जो गांव को मंडियों से जोड़ता है, उसका रखरखाव भी उस फंड से होता था। अब जब ये चला जाएगा उनके हाथ से, तो आप देखिए कि जिस स्टेट में सैलरी देने को पैसा नहीं होता है या उसमें हर बार मशक्कत होती है, तो वो अब मंडियों की प्रायोरिटी, मंडियां कहाँ प्रायोरिटी में आएंगी, उनके लिए पैसा कहाँ से आएगा, या ग्रामीण सड़कों के लिए पैसा कहाँ से आएगा? अब जो दर्शक है वो ऑडियो सवाल पूछना चाह रहे हैं, वो लिख कर भी भेज रहे हैं। तो सर जी, मैं हाँ जी, तो जो जो सवाल आप पूछना चाह रहे हैं, उनके नीचे स्क्रीन के नीचे एक ऑप्शन आ रहा होगा हैंड रेज का, वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो देवेंद्र जी ने लिख के भेजा है उनका सवाल ले लेते हैं। देवेंद्र मकोड़े जी, मैं आपकी ऑडियो खोल रहा हूँ, आप पूछ सकते हैं, लेकिन ये बता देंगे सवाल किससे। देवेंद्र जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, मेरी आवाज आ पा रही है जी? मेरा सवाल सोमपाल शास्त्री जी से भी है और देवेंद्र सर से भी है, मैं दोनों को ही फॉलो करता हूं जहां पे भी मुझे इनके वीडियोस और देखने को मिलता है। पहला सवाल है शास्त्री जी से कि यदि मतलब आंदोलन न करे किसान, या फिर जो जनता आंदोलन न करे, तो वो क्या कर, मतलब किस तरीके से अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाए और सरकार को मजबूर करे कि ये जो फैसले लिए हैं मैं MSP उसमें ऐड करे या जितनी बुनियादी जरूरी उसको जोड़े। दूसरा सवाल है मेरा देवेंद्र सर से भी है और सोमपाल जी से भी है, कृषि अर्थव्यवस्था को कैसे समझे, हर बार आगे भविष्य में भी हमको समझना है, तो कृषि अर्थव्यवस्था को आम आदमी जो कृषि से नहीं जुड़ा हुआ वो कैसे समझे ताकि औरों को समझा पाए। के आंदोलन नहीं करें, परंतु आंदोलन का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि जिसके विरुद्ध आप आंदोलन कर रहे हैं उसके ऊपर दबाव पड़े। आप जनता को दुखी करते हैं, उससे उनका तो कुछ नहीं बिगड़ता। आपने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं। अगर आपको आंदोलन करता है तो जितने जनप्रतिनिधि हैं, खासतौर से जो सत्ता में बैठे विधायक और सांसद हैं और जो मंत्री हैं, उनको रोकिए ना, आप उनका घेराव करिए, उनके आगे प्रोटेस्टेशन करिए। आम जनता को सड़क पर रोककर, रेल पर रोककर, अस्पताल जाने वाले को, बीमार को, नौकरी वाले को, कचहरी की तारीख वाले को, उसको क्यों रोकते हैं आप? इतना ही फर्क है। आंदोलन तो करना अधिकार है और होना चाहिए, सारे विश्व में डेमोक्रेसी का राइट है ये, तो ये तो है, जरूरी करना है, परंतु उसका स्वरूप बदलने की आवश्यकता है। मेरा कहना है कि आम आदमी को तकलीफ नहीं हो, जिनको आपको मैसेज देना है उनके विरुद्ध आंदोलन करिए, उसका थोड़ा स्वरूप बदलने की दिशा में चिंतन करने की बात है। आपने क्या पूछा था? दूसरा प्रश्न मैं देवेंद्र जी से चाहूंगा कि वो जवाब दें कि आम लोग ये जो कृषि के क्षेत्र में खेल चलता रहता है उसको समझने के लिए क्या करें, किस तरह से समझें? नहीं समझाई जा सकती, उसके लिए तो एक संगोष्ठी या कोई बात होगी। इतने संक्षिप्त सत्रों में इस तरह के सवाल जो है वो वाजिब नहीं है, बहुत लंबी बात है ये, यहाँ नहीं दिया जा सकता। जी अरुण सोलंकी जी, आप हैंड रेज कर रहे हैं, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, आप सवाल पूछ सकते। अरुण जी आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अरुण जी जगदीश बांबू जी, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, आप पूछ सकते हैं सवाल। जगदीश जी सर, मेरा सवाल तो हो गया, आपने ले लिया था वो लिखित वाला। अच्छा अच्छा जी जी, थैंक यू। अभी प्रदीप कुमार जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपने शुरुआत में भी लिख कर भेजा था, आप अपनी बात रख सकते हैं। प्रदीप जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आपको। नमस्कार। नमस्कार जी। देवेंद्र सर और सोमपाल सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, और मुकेश जी आपकी हर बात बिल्कुल दिल को छूती है। अंकुर भाई तो हमारे आंखों के तारे हैं। मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूँ। क्या मैं पानीपत से किसान हूँ, और कोई ज्यादा बड़ा किसान नहीं हूँ, एक छोटा सा ही आम फार्मर हूँ जिसके पास 2 एकड़ की जमीन है। हम तकरीबन जो गेहूं और जीरी बोते हैं यहाँ पे, और गेहूं और जीरी का जो मेन काम है वो कुछ तो हम अपने घर में यूज करते हैं, जो बची हुई है वो जाके सेल कर देते हैं, जो आप सभी जानते ही होंगे, आप तो अर्थशास्त्री हैं मेन।
लेकिन इन तीनों से हमें क्या दिक्कत होगी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि पब्लिक तक आपके जरिए ये बात पहुंच सके। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज का मुद्दा नहीं है सर, ये 1800 में स्टार्ट हो गया था, उस टाइम नील की खेती होती थी और वो नील की खेती ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही थी जिसको बड़ी मुश्किल से गांधी जी ने उसको आजाद करवाया था। सवाल पूछिए, अब सर इतना वक्त नहीं है सर, सर मेरे को सिर्फ दो जी। हाँ बिल्कुल, ज्यादा वक्त नहीं होगा लेकिन दो बातें और रखना चाहूंगा सर मैं। क्वेश्चन तो आपने सारों के जवाब दे दिए सर ऑलरेडी, मैं सिर्फ उनको आगे बढ़ाना चाहता हूँ, दो बातें और रखना चाहता हूँ। एक, जो हमारा एपीआई जो एक्ट जो खत्म करने जा रहे हैं सर, उससे क्या होगा, हम किसानों को क्या नुकसान होगा सर? ये होगा कि आज जो एक मंडी हमारे देश की है, एक मंडी इंटरनेशनल है सर, जो वीट का रेट है, पता है हम कह चुके हैं। हाँ जी, उसी को आपने कुछ मुद्दे जो हैं वो मैं बता रहा हूँ सर। आगे आने वाले टाइम में गेहूं का रेट 1300 रुपये हो जाएगा सर, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में उसका रेट कह चुके हैं बात। आपका सवाल उत्तरित है। हाँ, वो एक किसान है और वो अपनी आवाज बात रखना चाह रहे थे। प्रदीप जी, अगर आपकी बात हो गई हो तो फिर मैं अगला सवाल ले लेता हूँ। जी सर, ले सकते हैं। और प्रदीप कुमार जी, तो इनका लोअर हैंड कर देता हूँ। आगे आप जो सवाल पूछ सकते हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपका सवाल आगे फॉरवर्ड कर सकता हूँ। और अभी एक सवाल रघुनाथ जी का आया है, माय क्वेरी इज फॉर देवेंद्र शर्मा जी, कैन वी टर्म करप्शन इन पॉलिसी डिजाइन व्हेन वी लुक एट द रिसेंटली अप्रूव्ड एग्रीकल्चरल बिल्स, वन सच करेक्शन क्रीप्स इन एंड गेट्स लीगलाइज एट पॉलिसी लेवल, वी डू नॉट हैव एनी वे टू करेक्ट दिस मैटर इन फ्यूचर। वो कह रहे हैं कि इसको करप्शन की पॉलिसी पे डिजाइन करके रख सकते हैं क्या इसको? हमको मुझे लगता है कि जो इनका सवाल के पीछे जो उनका जो ऑब्जेक्टिव है शायद वो ये होगा जानने का कि जो सोमपाल जी ने एड्रेस भी किया है कि जो एक बहुत बड़ी एक लॉबी है हमारे यहाँ पर देश में, वो भी मैं उसको भी एक करप्शन वो भी है एक तरीका, जब आप उसका एक इंटरेस्ट वेस्टेड इंटरेस्ट को पुश करते हैं और वो पॉलिसी प्लानिंग के माध्यम से हम उसको जो पॉलिसीज ला रहे हैं वो उसमें रिफ्लेक्ट होता है। तो मुझे लगता है कि इनका शायद सवाल ये है कि उसको कैसे हटाया जाए। मुझे लगता है कि उसमें और तो कोई चारा नहीं है, हमें वाइडर पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। अब देखिए ना, एक ही किस्म के इकोनॉमिस्ट की बात हम सब सुनते हैं, तो ये क्यों नहीं कि भाई दूसरा जो पक्ष है उसकी बात भी सुनी जाए। कम से कम अगर हम उसको पब्लिक डिबेट में भी ले आते हैं और पब्लिक पॉलिसी में भी उसको लाके हम चर्चा करते हैं, तो मुझे लगता है कि एक जब एक उसका थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं बैलेंस मेंटेन करने की बात होती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि चाहे वो किसी भी संस्था के माध्यम से हो, नीति आयोग हो या कोई और बॉडी हो, वो सारा जो मार्केट का रिफॉर्म्स की बात हो रही है वही एक पुश किया जा रहा है एग्रेसिवली। तो वहां पर मुझे लगता है कि एक बहुत जरूरत है कि हम एक इंटरवेंशन जो है मेनली वो उन चीजों उन इकोनॉमिस्ट की भी लें जिनको हम नहीं सुनना चाहते या जिनको हमने नहीं सुना है, वो भी एक पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। तो ये भी एक आस्पेक्ट है जो इनका पॉलिसी प्लानिंग में इनका जो सवाल है वो कैसे एड्रेस किया जाए। और देवेंद्र जी, मैं उसमें एक पूरक बात एक सप्लीमेंट्री बात कहना चाहूंगा कि दूसरे पक्ष को सुना नहीं जाता ये कोई गफलत नहीं है, ये तो सोची समझी रणनीति है, षड्यंत्र है। वो सुनना ही नहीं चाहते दूसरे पक्ष को, तो जो सुनना नहीं चाहता उसके लिए तो मतदाता को जागरूक होना पड़ेगा कि वो ऐसे लोगों को और मुद्दों के आधार पर वोट करे, अपनी जाति वाती और झूठे नारों के आधार पर वोट नहीं करे। तो उसमें मतदाता का भी उत्तरदायित्व आता है कि वो ऐसे लोगों को चुने जो सब पक्षों की बात सुनकर और एक वस्तुपरक निष्पक्ष निर्णय लें सार्वजनिक हित में, न कि किसी निहित स्वार्थ के पक्ष में हित लें निर्णय। एक पूरक बात मैं भी जोड़ना चाहता हूं कि दर्शकों को या भारत के मतदाताओं को दूसरा पक्ष दिया ही नहीं जाता, उनके सामने रखा ही नहीं जाता। हमारा मीडिया भी चूंकि कॉर्पोरेट के कंट्रोल में है, जिसे हम पूरी मीडिया कहने लगे हैं, अब वो भी वही बातें कहता है जो कॉर्पोरेट के हक में होती है, जो सरकार में होते हैं लोग उनके पक्ष की होती है, और जो दूसरा पक्ष है वो हमें मीडिया में कम देखने को मिलता है। इसलिए आम लोगों को दूसरा पक्ष जानने का मौका भी नहीं मिलता है ताकि वो दोनों पक्षों को नाप तौल करके अपनी समझ विकसित कर सके। इस बड़ा वैक्यूम इसमें ये भी पैदा हुआ। मुकेश जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, जनता का उत्तरदायित्व है कि उन सब चैनल्स को ऑफ कर दें, अपने आप खत्म हो जाएगा किस्सा। अगर दम है लोगों में तो उन चैनल्स का बहिष्कार कर दें, जैसे हमने अंग्रेजों का बहिष्कार किया था, सबकी आंख खुल जाएंगी। इतना नहीं है, कहां से मिलेगा उनको एडवर्टीजमेंट? जनता भी तो उन्हीं को सुनती है ना, हमारे वाले को सुनने वाले तो कुछ 500-700 होंगे, उनको लाखों करोड़ों सुनते हैं। उनका बहिष्कार कल से कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आंदोलन
उनके खिलाफ भी जरूरी है। मुकेश सर मुझे लगता है कि हम समय भी हो रहा है और आखिरी सवाल ले लेते हैं आपकी। जी अरुण जी मैं आपको एक बार अलाउ कर चुका हूँ, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, एक बार दोबारा से करता हूँ, आप सवाल पूछ सकते हैं। अरुण सोलंकी जी, आप रितेश कुमार जी आप सवाल पूछ सकते हैं। यस सर, आवाज आ रही है? जी सर पूछिए। सर मैं देवेंद्र शर्मा जी से सवाल है मेरा कि सरकार ने कह दिया कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपकी अगर फसल खराब हो जाए, कंपनी कल को नहीं खरीदती है कोई, तो आप एसडीएम के पास में उसको आप मुकदमा ठोक सकते हो एसडीएम ऑफिस में। परंतु सर एक खेत एक गांव के अंदर 400-500 किसान होते हैं, तो अगर 400-500 की कंपनी के साथ फार्मिंग है, जैसे शर्मा जी कह रहे 3,000 एकड़ की जमीन चाहिए, तो 3,000 किसान हो गए, तो एसडीएम ऑफिस में तो उन मुकदमों को तो सालों लग जाएंगे मामला सुलझाने में। वो तो संयुक्त दावा किया जा सकता है, सारे मिलकर एक ही पिटीशन कर दें, वो तो कोई बात बड़ी नहीं है। पिटीशन तो कर सकते हैं लेकिन सुनवाई कितनी होगी, ये जो एक पक्ष इस सारे उसका जो आपके सामने नहीं आया, अगर मुझे आप 2 मिनट दे दें। जी प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो विचार है इन तीनों सुधारों का, मेरी एक दूसरी मान्यता है, उसमें थोड़ा सा मुझे मतभेद है बाकी लोगों से। ये तीनों सुझाव भानु प्रताप समिति ने 1990 में माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी और माननीय चौधरी देवीलाल जी जिस सरकार में प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री थे उस समय दिए थे, परंतु साथ उन्होंने ये कहा था कि इनसे लाभ हो सकता है, क्योंकि देखिए आप सब जानते हैं और एक तथ्य है ये हमारे जीवन का कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था केवल स्टोरेबल आइटम्स को उपलब्ध है, अनाजों को है, दालों को है, तिलहन को है, कपास को है और गन्ने के मामले में मिल देते हैं। जो दूसरा बहुत बड़ी जिसकी संभावना भारत में है, सब्जी फल दूध मत्स्य उत्पाद यानी मछली जैसे उत्पाद, एक्वाकल्चर जिसको कहते हैं, वो जो पेरिशेबल कमोडिटीज हैं उनको जब बाजार में लेके जाते हैं तो दूसरे तीसरे साल देखा आपने, कभी टमाटर सड़क पर फैल रहे हैं, कभी आलू, कभी लहसुन, कभी प्याज, कभी मिर्च, कभी कोई। तो अगर कोई व्यापारी आपसे आकर कहता है कि मुझे इस किस्म की इस गुणवत्ता की ये चीज उगवानी है, मैं आपको बीज देता हूं और आपसे ये रेट तय करता हूं, तो किसान के पास वो एक चॉइस है, एक ऑप्शन है, उसके तहत अगर वो करते हैं और उसका नियमन होता है तो उससे विवाद जरूर उपज सकते हैं, जो अभी एक हमारे भाई ने शंका की कि एसडीएम को। तो मेरा ये कहना है कि तीन शर्तें बहुत महत्वपूर्ण है अगर इनका लाभ लेना, इनका लाभ लिया जा सकता है, क्योंकि शर्मा जी और मैं 40 देशों में गए, मैं तो करीब 46 में गया हूँ, भारतीय सब्जियों और फलों जैसा स्वाद विश्व में कहीं नहीं है, इनके निर्यात की बहुत बड़ी संभावना है। हमारा जो किसान है 98% 10 हेक्टेयर से छोटा, उसके बस की ये बात नहीं है, उसको तो व्यापारी और कंपनियां ही करेंगी, तो उस मार्केट में अगर हमारा उत्पाद जा सकता है तो किसान के लिए संभावना खुल सकती है, परंतु कंपनियां जो उसका शोषण करेंगी उसे रोकने के लिए विवाद सुलझाना बहुत जरूरी है। तो मैं तीन शर्तें कह रहा हूं, सुन लीजिए ध्यान से। एक, न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली न केवल बरकरार रखी जाए बल्कि उसको वैधानिक अधिकार बनाया जाए, इस पर जोर है और ये भी पुरानी मांग है, भानु प्रताप कमेटी की रिपोर्ट में भी लिखा है। दूसरा, ये जो कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइसेस है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा देकर ट्रिब्यूनल जुडिशियल ट्रिब्यूनल की संज्ञा दी जाए। तीसरा, इन सब जगहों में विवाद सुलझाने के लिए एक समय सीमा निर्धारित की जाए और अगर उस समय सीमा में विवाद नहीं सुलझता है तो उस ट्रिब्यूनल के अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का कानून में प्रावधान हो। नहीं तो आपकी बात सही है, एसडीएम सुनेगा नहीं सुनेगा, 6-6 महीने साल भर लटका देगा, किसान दुखी हो जाएगा, उसका शोषण होगा। तो अगर ऐसी व्यवस्था और ऐसी हो सकती है भी कुछ देशों में, अब उसमें लंबा समय होगा, ये अगर दोनों बात है तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जरूर कुछ लाभ हो सकता है। जहां तक उसका सवाल है आपके, ये जो मंडी के बाहर व्यवस्था देने का, तो अगर दोनों व्यवस्थाएं आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं, यह भी विकल्प रहता है वह भी विकल्प रहता है, तो निश्चित रूप से दाम सुधरने की गुंजाइश है। पर अगर सरकार की नीयत ऐसी है कि उसको बाहर फेंकेगी वर्तमान व्यवस्था को, तो खेती के लिए भयावह होगा, खेती का नाश हो जाएगा। तीसरा, जो आवश्यक जींस का कानून है वो उपभोक्ता संरक्षण के लिए था, उसका किसान को कोई लाभ नहीं होता था, और हमारे पिछले 5-7 साल में अरहर की दाल का एग्जाम्पल है,
किसान को 43 दे रहे हैं, बाजार में 120 बिक रही है, जब किसान को 50 दे रहे हैं तो बाजार में 220 बिक रही है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। वो प्रशासनिक अधिकारी सिविल सप्लाई के और पुलिस से मिलकर वो भ्रष्टाचार कर लेते थे। वो जो तीसरा बिल है उसकी कोई खास किसान के ऊपर न सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा न नकारात्मक पड़ेगा, परंतु अगर ये व्यवस्थाएं जो मैंने तीन कही हैं तो इनसे कुछ किसान की अर्थव्यवस्था सुधरने की गुंजाइश जरूर बनती है, मेरी ये मान्यता है। थोड़ा सा मेरे इस मामले में मतभेद है जी। इस मतभेद को मैं थोड़ा सा देवेंद्र जी के पास भी ले जाऊंगा, इस मतभेद पर उनका कितना मतभेद है इस मतभेद से। देवेंद्र जी देखिए इसमें कि भाई कंपटीशन हो और किसान को मौका मिले, चॉइसेस हो, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, जो हमारे देश का एक्सपीरियंस है या और भी देशों का एक्सपीरियंस है, हमने देखा है कि किसान की हर जगह एक्सप्लॉयटेशन हुई है, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो। मैं कॉफी ग्रोअर्स की बात आपके सामने एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि मैं अभी हाल में नेशनल फेडरेशन जो है कॉफी ग्रोअर्स की, उनको मैं एड्रेस करने गया था। तो मैंने वहाँ वो आज कॉफी ग्रोअर्स में मानता था कि शायद बाकी जो किसान हैं उनसे थोड़ा बेहतर हैं, इकोनॉमिकली थोड़ा उनसे अच्छे हैं, लेकिन वो ये डिमांड कर रहे थे कि 8,000 करोड़ रुपए का आज कर्जा खड़ा है उसको सरकार माफ कर दे। तो उनसे मैंने पूछा कि आपका क्यों क्राइसिस, आपके जो कमोडिटी ट्रेडिंग भी होती है दुनिया भर में और आपको तो सब जो एक्सपोर्ट के बेनिफिट हैं, जो अधिकतर तो कॉफी तो ऐसा प्रोडक्ट है। तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि आप जब ये बैरिस्टा और ये जो जिसको हम वैल्यूडिशन कहते हैं, स्टारबक्स में आप कॉफी पीने जाते हैं तो 250 रुपए का आप एक कप ऑफ कॉफी पीते हैं, तो उसमें किसान को कितना मिलता है? तो उन्होंने कहा कि हम रात भर इसमें, उनका हमें शाम दे दीजिए, हम कल सवेरे आपको बताएंगे। तो वो मेरे पास जब अपना अध्ययन लेके आया, उन्होंने कहा जी 250 रुपए के कप में किसान को 1 रुपया मिलता है। अब ये जानना है बहुत जरूरी है कि जो वैल्यूएशन की बात भी हो रही है उसमें आप देख लीजिए ट्रांसपोर्टर का कितना शेयर है, बाकी मिडिलमैन का कितना शेयर है, लेकिन जो किसान का शेयर है उसकी बात अक्सर नहीं होती है। कहने की मतलब ये है कि अब जो रिफॉर्म्स होने चाहिए एग्रीकल्चर में, मेरा मानना है कि उसमें 2-3 चीजें होनी बहुत जरूरी है। एक तो जो एपीएमसी का ढांचा है उसमें बहुत सी गड़बड़ियां हो गई हैं ओवर द पीरियड, हमें उसको रिफॉर्म करना चाहिए, उसमें प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए, उसमें पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है वो खत्म कैसे हो, वो ये सब बातों को देखना पड़ेगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है, हमारे पास अभी तकरीबन 7,000 मंडियां हैं एपीएमसी की, जबकि अगर हमने सारे देश में 5 किलोमीटर रेडियस पे मंडी देनी है तो हमें 42,000 मंडियां चाहिए। मुझे लगता है कि वो इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। और तीसरी बात ये है कि एमएसपी अभी हम 2 फसलों पे ही प्रैक्टिकली उसका हम जानते हैं कि उसका फायदा होता है किसानों को, ये जो है 23 फसलों पे जिस पे प्राइस अनाउंस होता है, क्योंकि 23 फसलें जो है वो 80% ऑफ द ग्रॉस क्रॉप एरिया को कवर करती हैं, तो वो 23 फसलों के ऊपर उसको अनिवार्य कर दिया जाए, उसको लीगल राइट बनाया जाए, उसके नीचे ट्रेडिंग नहीं होगी। अब जो ये कहा जाता है इकोनॉमिस्ट द्वारा कि साहब ये सारा खर्चा जो है स्टेट के ऊपर आएगा, वो गलत है, क्योंकि जिस भी शो में मैं जाता हूं या जिस भी चर्चा में मैं जाता हूं वहां पर इंडस्ट्री ये बोलती है कि साहब किसानों को बरगलाया जा रहा है, हम अब जब ये रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट हो जाएंगे तो आप देखेंगे किसानों को ज्यादा दाम मिलेगा। तो मैं पूछता हूं ज्यादा दाम किससे मिलेगा, कि साहब एमएसपी से ज्यादा मिलेगा। तो अगर आप ज्यादा देने को पहले ही तैयार बैठे हो तो मुझे बताइए कि एमएसपी को हम लीगल राइट क्यों नहीं बना सकते, इंडिपेंडेंट हो जाएगी। तो यही मैं कह रहा हूँ कि उसको अब लीगल राइट, किसान को विश्वास हो जाएगा कि आप जो करने जा रहे हैं वो ठीक है, तो वो किसान को मतलब सरकार को नहीं खरीदना पड़ेगा सारा, वो तो सब पहले ही जो बिजनेस एंड ट्रेड है वो उसके ऊपर खरीदने को तैयार बैठी है, अगर वो अगर सच कह रही है। तो ये कहने का मतलब है कि अगर ये 3 चीजें हो जाती हैं तो हम एक बहुत बड़ा एक रास्ता खोल देंगे कि आगे और क्या इंप्रूवमेंट्स होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि और कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन ये 3-4 मुख्य कदम होने चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया में एक ही प्रॉब्लम है किसानों को कि उनको एश्योर्ड प्राइस नहीं मिलता, उनको वो भी आप और हमारे जैसे वो चाहते हैं कि उनको भी हर महीने के बाद एक एश्योर्ड इनकम मिल पाए, और एश्योर्ड इनकम के लिए सारी दुनिया में स्ट्रगल है। तो मेरा ये मानना है कि हम एश्योर्ड इनकम का जो रास्ता है, जो एमएसपी का मॉडल भारत में है, उसको हम क्यों नहीं बिल्डअप करें, हम क्यों इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से सफर करते हैं कि हमें हर बार अमेरिका और यूरोप में देखना पड़ता है। मुझे कई बार पूछा गया है टीवी पे कि साहब ये जो आप एमएसपी की बात कर रहे हैं किसी और देश में भी है, मैंने कहा क्यों आप में आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि हम लोग अपना एक मॉडल नहीं बना सकते जो दुनिया फॉलो करे, क्यों है कि हम सोचते हैं कि हर अनलेस अमेरिका और यूरोप में कहीं पर है तब तक हम उसको आगे नहीं लेके जा सकते। तो ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, और जैसा कि प्रधानमंत्री कहते आए हैं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास तभी हो पाएगा जब हम 60 करोड़ लोगों के हाथ में ज्यादा इनकम देंगे, ज्यादा उनके पास प्राइस डिस्कवरी होगी जिसको इकोनॉमिस्ट कहते हैं। वो एक रास्ता है
जो हमें इख्तियार करना चाहिए, और वो अगर हो जाएगा तो बाकी जो एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स और आने चाहिए या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए या बदलाव होने चाहिए, मुझे लगता है कि दैट विल नॉट बी डिफिकल्ट। जी आपने सही कहा कि 60 करोड़ लोगों के पास पैसा जाएगा तो पूरी रूरल इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, और अगर वहां परचेजिंग पावर बढ़ता है तो पूरी इकोनॉमी फ्लोरिश करेगी, उसमें विकास होगा। अभी ये पूरा जो प्रक्रिया है रुकी हुई है, क्योंकि सरकार न कृषि पर खर्च करना चाहती है, न रूरल डेवलपमेंट पर खर्च करना चाहती है, और सारे फायदे कारपोरेट जगत को दिए जा रहे हैं, उद्योगपतियों को दिए जा रहे हैं, सारी रियायतें वहां जा रही हैं। कुल मिलाकर कृषि के सुधार के नाम पर जो कुछ हो रहा है उससे घोर असहमति इस कम से कम चर्चा में दिख रही है। सरकार के जो दावे हैं, वादे हैं, उन पर भरोसा लोगों को नहीं है, और जो इंडस्ट्री दावे कर रही है वो भी प्रश्नों के घेरे में है, उस पर किसानों को भरोसा नहीं है। तो एक विश्वसनीय व्यवस्था जब तक कायम नहीं होगी तब तक ये जो संघर्ष है किसान और सरकारों के बीच में ये जारी रहेगा। क्या रूप लेगा, इसके क्या नतीजे निकलेंगे, ये तो हम अभी से नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसका कृषि व्यवस्था पर बहुत अच्छा या बुरा असर पड़ सकता है, ये हम कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, सोमपाल जी, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। बहुत ही मैं कहूँगा सारगर्भित चर्चा रही है, और बहुत सारे ऐसे बिंदु उभर कर आए हैं, और जो बिंदु अक्सर इग्नोर कर दिए जाते हैं वो भी कहीं ना कहीं से निकल कर इस चर्चा में शामिल हुए हैं। और निश्चित रूप से जो दर्शक आज देख रहे हैं और जो इसको बाद में देखेंगे वो उनके कृषि ज्ञान में वृद्धि होगी, और जो कृषि नीति है सरकार की उसको समझने में भी उनको जरा आसानी होगी, किसानों का दर्द भी उन्हें ज्यादा समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।